हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ तो मैजिक सी चीज़ की थी जिससे हम लोग का ये ओपन वाला टैग जो है ये यहाँ पे बढ़िया सा आ गया था और ये सुंदर सा खुल रहा था, विच इज़ ग्रेट। बट इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कोड एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कब तक नकल करके ज़िंदगी काट, पूरी ज़िंदगी काट सकते हैं वैसे तो अगर थोड़ा सा सही से नकल करें। बट लेट्स ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है आपको CSS समझना थोड़ा सा, तो आज का पूरा जो लेसन होगा वो CSS के सिंटेक्स और उसके कोड बेस से रिलेटेड होगा। तो लेट्स क्विकली गो अहेड। जिस तरह HTML की शुरुआत की थी, W3 Schools में CSS सर्च कर लेते हैं। W3 Schools में ने बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं ये सब चीज़ें समझने के लिए। तो CSS ट्यूटोरियल्स खोला, CSS इंट्रोडक्शन। CSS क्या है? बेसिकली वही ब्यूटी 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 ब्यूटी। तो ये बहुत सारे टाइप्स के CSS हैं जिसमें ये दिखा रहे हैं कि ये देखो सेम HTML को डिफरेंट CSS से जब देख रहे हैं तो कभी ऐसे दिख रहा है, कभी ऐसे दिख रहा है, कभी ऐसे, और ये है नॉर्मल HTML। तो CSS बहुत पावरफुल है। CSS का सिंटेक्स देख लेते हैं। जिस तरह HTML का सिंटेक्स था टैग्स में लेस दैन ग्रेटर दैन, CSS का सिंटेक्स कैसे होता है? सबसे पहले जैसे H1 टैग तो एक सेलेक्टर होता है, ठीक है। फिर हमेशा कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, जिसके अंदर डिक्लेयर करते हैं बहुत सारी CSS की प्रॉपर्टीज़, खूबसूरती की प्रॉपर्टीज़। कलर कोलन ब्लू, तो हमेशा ये पेयर्स में चलता है, प्रॉपर्टी कोलन उसकी वैल्यू, फिर ख़त्म होता है सेमी कोलन से। एक प्रॉपर्टी ख़त्म होती है सेमी कोलन से, फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट हाइफन साइज कोलन 12px सेमी कोलन, ठीक है। थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ कुछ। तो सेलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, जिस एलिमेंट को स्टाइल करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमी कोलन, जब भी कुछ डिक्लेरेशन करनी है सेमी कोलन से उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कोलन, नेम और उसकी वैल्यू कोलन से सेपरेटेड रखते हैं, ये बिकम्स वन डिक्लेरेशन। ऐसी बहुत सारी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमी कोलन, ये रहा। एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इतना तो समझ गए, ठीक है। आप लोग भी हो सकता है समझ रहे हो साथ साथ, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया है इसको, आराम से भी आप पढ़ सकते हैं CSS में जाके। एग्जाम्पल पी टैग पे इन्होंने CSS लगाई है। क्या CSS लगाई है? कि उसका कलर रेड होगा और टेक्स्ट को अलाइन करेंगे सेंटर में, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें होती हैं। अगर आपको कोई CSS की प्रॉपर्टी ना समझ में आए तो प्लीज़ उसको गूगल सर्च कर लें। जैसे कि यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा है, पी सेलेक्टर जिस पे CSS लगेगी। कलर एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे लिखा हुआ है, रेड उसकी वैल्यू है, टेक्स्ट लाइन एक और प्रॉपर्टी है, एक सेंटर उसकी एक और वैल्यू है, और धीरे धीरे करके सब समझ जाएंगे। ट्राई इट योरसेल्फ करके देखते हैं। ये देखो इन्होंने रेड से कर दिया, सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन अगर हटा दें और फिर रन करें तो ये देखिए सेंटर लाइन हट जा रहा है इसका। कूल, समझ में आ गया। इतना ही CSS चाहिए था, बहुत हो गया। वापस CSS पे चलते हैं। तो अब इसको अपने कोड को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है बॉडी, तो सिंटेक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये सेलेक्टर हो गया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिक्लेरेशंस होती हैं प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू के फॉर्म में। तो मार्जिन दे दी ज़ीरो, ठीक है, हो सकता है मार्जिन ज़ीरो दे रहा हूँ। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली क्या होती है पता नहीं यार, गूगल पे जाते हैं सर्च करते हैं फॉन्ट फैमिली CSS। कोई भी प्रॉपर्टी आप ऐसे सर्च करिए आपको मिल जाएगा कि ये यूज़ किस लिए करते हैं। स्पेसिफाई द फॉन्ट फॉर टू पैराग्राफ्स, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है वो यहाँ लिखते हैं, टाइम्स न्यू रोमन की जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे एरियल यूज़ कर रहे हैं, हेलवेटिका सान सेरिफ, ठीक है, फॉन्ट यूज़ कर लिया। यहाँ पे लिखा है टॉप नैव, इसके पहले ये डॉट दे दिया। टॉप नैव कोई टैग तो होता नहीं, और यहाँ पे डॉट कुछ दे दिया, नहीं समझ में आ रहा। इतना तो पढ़ाया भी नहीं अभी इन लोग ने हमें, तो वापस पढ़ लेते हैं। यानी थोड़ा सा सिंटेक्स तो देख लिया, अभी इन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, नेक्स्ट जाते हैं। सेलेक्टर्स, CSS सेलेक्टर, यहाँ पे सेलेक्टर टेक्निकली कर्ली ब्रैकेट के पहले वाला सेलेक्टर होता है, तो यहाँ पे इन्होंने डॉट टॉप नैव किया, तो डॉट टॉप नैव सेलेक्टर होना चाहिए। अब ये CSS सेलेक्टर्स में बताएगा कि कैसे कैसे सेलेक्टर्स हो सकते हैं। एक होता है एलिमेंट सेलेक्टर, कि डायरेक्टली HTML के किसी एलिमेंट पे आपने ये स्टाइलिंग कर दी, पी टैग पे स्टाइलिंग कर दी, तो जितने भी पी टैग्स होंगे उस पर सेम स्टाइल लग जाएगी शायद। नेक्स्ट है ID सेलेक्टर, तो और तीसरा है क्लास सेलेक्टर। तो ये तीनों एक साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ पे हमने क्लिक कर दिया जल्दी से, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे
ये पूरा कोड डिलीट कर देते हैं बॉडी टैग के अंदर, और ये सी एस एस भी डिलीट कर देते हैं। ये खुद से आप लोग ट्राई करिएगा। तो एक पी टैग रखा, ठीक है, जिसका नाम लिखा पैराग्राफ वन, एक और पी टैग रखा इसका लिखा पैराग्राफ टू, एक रखा पैराग्राफ थ्री, एक रखा पैराग्राफ फोर, एक और रखा पैराग्राफ फाइव, ठीक है। तो फाइव पैराग्राफ्स हम लोगों ने लिखे हैं, रन करते हैं इसको, तो ये पांच पैराग्राफ्स आ गए। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सी एस एस सेलेक्टर्स और कुछ भयंकर इसी बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज जो ज़िंदगी भर आपको वेब डेवलपमेंट की जर्नी में काम आएंगी। तो हम लोग ने बताया था कि टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जिस तरह HTML में देखिए लिंक टैग का एट्रीब्यूट है rel और href और इसकी वैल्यू थी स्टाइल शीट और ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें तो अभी तो यहाँ पे कोई p का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, है ना। तो id और क्लास जो यहाँ पे ये बता रहे थे css selector क्लास और id, ये सब HTML का सिंटेक्स है, आप लोग समझ लीजिए। id इज एन एट्रीब्यूट, सिमिलरली क्लास इज एन एट्रीब्यूट। आईडी पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ हमेशा यूनिक रहेगी, यूनिक मतलब आपका नाम जैसे आधार कार्ड नंबर जैसे होता है, हर पर्सन का डिफरेंट होगा, राइट। सिमिलरली आईडी इज लाइक आधार कार्ड नंबर। इस यहाँ पे पांच पी टैग्स हैं, कैसे पता चलेगा कि हम पैराग्राफ वन की बात कर रहे हैं? तो इसको एक यूनिक नाम दे सकते हैं उसकी आईडी डिफाइन करके, कैसे, यहाँ पे कर देते हैं पी अंडरस्कोर 01। तो ये हो गई आईडी, इसकी यूनिक रहेगी हमेशा, ठीक है। क्लास की बात करें तो जैसे कि डिफरेंट सेक्स ऑफ पॉपुलेशन होती है, राइट, कि सारे लड़के जिन्होंने रेड कलर की शर्ट पहनी है खड़े हो जाएं, तो रेड कलर की शर्ट पहने हुए लड़के रिप्रेजेंट अ बंच ऑफ पीपल, या फिर सारे फीमेल्स खड़ी हो जाएं, तो फीमेल्स क्या हुई, ग्रुप ऑफ पीपल हो गई, राइट। सारे कोडर्स खड़े हो जाएं, तो कोडर्स भी एक टाइप की क्लास हो गई। तो क्लास डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्लास दे दिया रेड कलर वाले पैराग्राफ्स, तो हर वो पैराग्राफ, तो पहले तो क्लास यूनिक नहीं होनी होती है, मल्टीपल लोगों की सेम हो सकती है। तो हम लोगों ने देखो दो क्लास पैराग्राफ्स को सेम क्लास दे दी रेड कलर, आईडी हमेशा यूनिक देंगे तो इसको P01 दे दी। ये दोनों पी टैग्स ना किसी ग्रुप के पार्ट है ना इनका कोई यूनिकनेस है, ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो आप, इस टैग में एक अट्रीब्यूट है इसका आईडी इक्वल टू P1, इसको भी हम लोग एक क्लास दे सकते हैं, समझ लो इसको क्लास दे दे रहे हैं ब्लू कलर, ठीक है। अब सी एस एस समझने की कोशिश करते हैं, स्टाइल टैग के अंदर सी एस एस लगती है, स्टाइल टैग के अंदर गए। अगर आपको किसी एलिमेंट पे HTML एलिमेंट पे सी एस एस लगानी है तो सेलेक्टर की तरह उसको लिखिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई कलर जो है वो रेड रखिए आप, रन करके देखा तो देखो सारे पैराग्राफ्स रेड हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा कि सारे पी टैग पे कलर रेड लगा दो। अब ठीक है भाई रेड कलर लगा दिया, बट आई वांट कि जो ब्लू कलर वाले हैं उन पे ब्लू कलर लगे, राइट। तो यहाँ पे तो एक ब्लू कलर वाला है, बट ये इसकी क्लास है, ये इसका सेलेक्टर टैग नहीं है। तो अगर आपको सेलेक्टर में टैग यूज़ करना है तो आप लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे पिंक कर देते हैं, पिंक बाय डिफ़ॉल्ट सारे पिंक हो गए, ये पिंक तो बहुत घटिया कलर लग रहा है, येलो कर देते हैं, ठीक है, और घटिया लग रहा है बट ठीक है, येलो। अब हम लोग चाहते हैं जितने भी रेड कलर वाले पी टैग्स हैं, यानी ये वाला पी टैग पैराग्राफ टू और पैराग्राफ थ्री, वो रेड कलर से हो जाए। तो डॉट रेड कलर, दिस इज द सिंटेक्स फॉर अप्लाइंग सी एस एस टू अ क्लास, डॉट क्लास नेम, ठीक है। तो क्लास का नेम है रेड कलर, ये लिखा इसके अंदर डाल दिया कलर रेड। अब अगर रन करेंगे तो देखिए ये दोनों रेड हो गए, पैराग्राफ टू और पैराग्राफ थ्री, वाई, क्योंकि इनकी क्लास थी रेड कलर। अगर एक और पैराग्राफ फोर को भी क्लास दे दें रेड कलर तो तीन रेड कलर हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप, रन दो हो गए।
ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ब्लू कलर वालों को ब्लू कलर मिल जाए, तो ब्लू कलर में अभी एक ही बंदा है। ठीक है यार, कलर ब्लू रन। तो ये देखिए, ये कलर ब्लू हो गया पैराग्राफ वन का। वाई? बिकॉज ये पैराग्राफ वन ब्लू कलर का है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आपको लगा कि हाँ यार ये तो बढ़िया लग रहा है, पैराग्राफ फोर येल्लो दिख नहीं रहा है, इसको भी ब्लू कर देते हैं। तो अगेन इसकी भी आपने सिर्फ यहाँ पे क्लास ब्लू कलर की रन किया, तो इस ये देखिए अपने आप ब्लू कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि हर मेंबर जिसकी क्लास ब्लू कलर है उस पर हम लोगों ने सी एस एस लगा दी है। फाइनली एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, अगर एक ए टैग लेते हैं जिस पे लिखते हैं विजिट आवर वेबसाइट, और इसके अंदर डालते हैं href इक्वल टू https:// beyondexams.org। ये अपनी वेबसाइट की URL डाल दिया, रन किया, तो ये देखिए विजिट आवर वेबसाइट आ गया। अब हम चाहते हैं कि यार ये ब्लू था, ये ब्लू था, तो ये भी ब्लू होए। सेम चीज़, स्पेस दिया, यहाँ पे क्लास अट्रीब्यूट का वैल्यू दे दी ब्लू कलर, रन। तो देखिए ये भी ब्लू हो गया। अगर इसकी जगह रेड डाल दें तो ये रेड हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी कूल थिंग कि जो क्लासेस होती हैं वो डिफरेंट टैग्स पे भी सेम क्लास लग सकती है। जिस तरह पी पे भी ब्लू कलर लगा, ए पे भी ब्लू कलर लगा, तो क्लास इज़ अ जनरल एट्रीब्यूट जो अगर जितने पे भी लगा होगा, चाहे पी पे लगे, चाहे ए पे लगे, चाहे डेव पे लगे, चाहे जिस पे लगे, वो उसी का सी एस एस लगा देता है। ठीक है, तो अब ये तीनों ब्लू हो गई। बट जस्ट अ सेकेंड, लेट से आई वॉन्ट कि हाँ यार ये दोनों ब्लू तो हैं, पर ये पैराग्राफ वन इतना यूनिक सा है, इसको ब्लू कलर के अंदर रखना तो नहीं समझ में आ रहा। काश इसकी आईडी पे, काश इसके लिए मैं यूनिक सीएसएस लिख पाता। तो अगर किसी की आईडी पे आप सीएसएस लिखना चाहते हैं तो हैशटैग p_01 उसकी आईडी लिखी, हैशटैग आईडी, और यहाँ आप उसका यूनिक सीएसएस लिख दीजिए, जैसे कि कलर इज इक्वल टू ब्राउन। रन करेंगे आप तो देखिए ये ब्राउन हो गया, बाकी ब्लू हो गए, और ये येलो हो गया, और ये रेड हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं क्यों हुआ। सबसे पहले सारे पी टैग्स को येलो कर दिया, तो अगर बाकी सी एस एस हटा देंगे तो सब येलो हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने कहा कि डॉट लगा हुआ, यानी ये क्लास है, हर वो एलिमेंट एच टी एम एल का एलिमेंट जिसकी क्लास रेड कलर है उसका कलर रेड कर दो। तो ये पैराग्राफ टू पैराग्राफ थ्री को इसने रेड कर दिया, ये देखिए। फिर हम लोगों ने कहा कि हर वो एच टी एम एल का एलिमेंट जिसकी क्लास ब्लू कलर है वो ब्लू हो जाए। तो ब्लू कलर एक था, दो था, तीन था, तीन ब्लू होने चाहिए थे बट यहाँ पे दो है। क्यों? क्योंकि लास्ट में उन्होंने कहा कि हैशटैग आईडी IDHP01 उसको ब्राउन कलर दे दो, तो इसने ब्राउन दे दिया। अब इसकी प्रायोरिटी भी आप समझिए कि सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है आईडी को बिकॉज़ वो सबसे यूनिक होता है, फिर मिलती है क्लास को बिकॉज़ वो थोड़ा कम यूनिक होता है बट फिर भी डिसेंट होता है, एंड फाइनली सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है पी टैग को बिकॉज़ वो सबको ले लेता है कि हाँ भाई कोई भी आओ चले आओ। तो जितना स्पेसिफिक उतना हायर इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सी एस एस का सिंटेक्स हो गया। एक बार देख लेते हैं क्या सी एस एस सेलेक्टर्स में भी उन्होंने ये बताया है। पी टैग हो गया, आई डी सेलेक्टर में देखिए हैश टैग पैरा यूज़ हुआ है, सी एस एस क्लास सेलेक्टर में डॉट सेंटर यूज़ हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और इन्होंने बताई है, जब मल्टीपल क्लास रखनी होती है तो ये स्पेस से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि सेंटर और लार्ज दो सी एस एस की क्लासेस हैं तो ऐसे स्पेस से सेपरेट करते हैं। और आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर ये वाइल्ड कार्ड होता है, इसका मतलब हर एलिमेंट में ये अप्लाई कर दो, ये भी मत देखो कि पी है कि ए है कि डेव है कि बॉडी है, सब पे अप्लाई कर दो सेम चीज़। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जैसे कि हम चाहते हैं कि पूरी वेब पेज सेंटर लाइंड हो जाए, पूरा वेबसाइट बाई डिफॉल्ट ब्लू कलर का हो जाए, एंड सो ऑन। ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने H1 H2 P तीनों को दिया है टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड, तो इसको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं कैसे, H1 H2 P, तो इन तीनों पे वो सेम सीएसएस लगा देगा। ठीक है,
यहाँ पे मस्त ही एक्सरसाइज लगाते हैं देते हैं W3 स्कूल्स वाले, प्लीज़ इसको करिएगा, बट बेसिक CSS यही है। ओके तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये बॉडी टैग पे CSS लग रहा है, ये क्लास टॉप नैव पे CSS लग रहा है, ये टॉप नैव के अंदर जो ए है उस पे लग रहा है, ये टॉप नैव के अंदर ए जो है उसको होवर करने पे, ये देख लीजिए साथ साथ बहुत कुछ समझा रहे हैं, होवर करने पे ये CSS लग रही है, और ये एट द रेट मीडिया क्या है ये बाद में देखेंगे, बट ऐसे बहुत कुछ है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये टॉप नैव क्लास किसको मिली हुई है, सर्च कर लेते हैं। ओके, तो क्लास टॉप नैव मिली हुई है इस डिव को जो रख रहा है ये होम न्यूज़ कॉन्टैक्ट अबाउट, होम न्यूज़ कॉन्टैक्ट अबाउट इसको जो रख रहा है इसके पेरेंट डिव को, ये देखिए ये चाइल्ड है ये पेरेंट है, पेरेंट डिव को क्लास टॉप नैव मिली हुई है। ठीक है, और इस टॉप नैव को इन्होंने क्या दिया है, ओवरफ्लो इज इक्वल टू हिडन। ओवरफ्लो क्या होता है सर्च कर लेते हैं, ओवरफ्लो CSS में मिला था, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कंट्रोल्स व्हाट हैपेंस टू कंटेंट दैट इज टू बिग। अच्छा, अगर इतना बड़ा कंटेंट हो तो उसका क्या हो, समझ में तो आ रहा है बट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये देखिए ये स्क्रॉल कर पा रहे हैं, अगर ओवरफ्लो यहाँ से स्क्रॉल हटा दें रन तो क्या होगा, ओ फिर ये स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हैं आप, अगर यहाँ पे ओवरफ्लो स्क्रॉल कर दे तो जो ओवरफ्लो है वो स्क्रॉलेबल हो जाएगा, मेक सेंस, ग्रेट यार। तो यहाँ पे ओवरफ्लो को क्यों यूज़ किया है, ओवरफ्लो हिडन यानी दिखे ना, यहाँ पर भी करके देखते हैं, ओवरफ्लो हिडन रन, ओ तो गायब हो गया नहीं दिख रहा है। ठीक है, टॉप नैव का ओवरफ्लो हाइड कर रखा है, यानी कि अगर ये ओवरफ्लो करेगा इसके बाहर जाएगा तो वो दिखे ना, छुप जाए, मेक सेंस। और फिर उन्होंने क्या किया, टॉप नैव के अंदर जो ए टैग है, टॉप नैव के अंदर ओह ये जो ए टैग्स हैं इनका CSS शायद मिल गया, फ्लोट लेफ्ट डिस्प्ले ब्लॉक कलर, ये बहुत सारी CSS लगी हुई है इसमें, तो इन्हीं में से कोई CSS रिस्पॉन्सिबल होगी, इसको जब ए टैग हटा रहे थे तो ख़राब करने में, तो इसको आप पढ़ के कमेंट करिएगा यहाँ पे कि ये हर एक CSS किस लिए यूज़ होती है, इससे आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनेगा ब्यूटिफिकेशन वाली चीज़ें। कमेंट कैसे करते हैं बहुत ज़रूरी है, कमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे ये पूरा कोड है इसको कंप्यूटर समझता है, बट कभी कभी आपको खुद के नोट्स बनाने होते हैं, राइट, रफ नोट्स, तो आप कहीं पे भी डबल स्लैश या फिर स्लैश स्टार दे दीजिए, ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क का सिंबल मेरे कंप्यूटर में 8 के ऊपर है तो शिफ्ट 8 दबाने से खुला, फिर स्टार स्लैश, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे ये कमेंट होता है, कमेंट को कंप्यूटर रीड नहीं करता है, ये सिर्फ ह्यूमन के लिए होता है। ठीक है यार, तो एक एक करके आप प्लीज़ इसमें ऐसे कमेंट करिएगा, फिर यहाँ पे गए यहाँ पे भी कमेंट करिएगा कि ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या कर रही है एंड सो ऑन, लेट्स सी कौन पहले कर पाता है, GitLab पे ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा इसको, तो आप एक बार पूरा ऐसे करने की कोशिश करो एंड लेट्स सी कौन कर पाता है। एंड हम लोग को दिख गया यहाँ पे ए टैग पे कुछ तो CSS अप्लाइड है जिसकी वजह से ये बढ़िया चल रहा है, यही CSS हम लोग को देखनी थी, तो आप यहाँ पे जब कमेंट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या CSS है जिसकी वजह से ये हो रहा था, और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखिए ए टैग यूज़ कर लिया तो वो CSS इसमें भी लग गई जिसकी वजह से वो आराम से लोड कर दे रहा है ओपन को यहाँ पे। दिस इज़ अ वेरी बिग लेक्चर ऑफ व्हाई CSS इज़ यूज्ड, हाउ इट इज़ यूज्ड एंड हाउ यू कैन रीड CSS कोड, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, अभी इसमें ID सेलेक्टर नहीं है बट वो हैशटैग से होता है। ऑल राइट, आई होप ज़्यादा बोरिंग ना हुआ लेक्चर, आगे लेक्चर्स और प्रैक्टिकल होंगे, तो गुड बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट टर्न, जय हिंद।